आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर खुद के मुंह से इनमें से कोई न कोई वाक्य सुने ही होंगे। इतना काम है इस प्रोजेक्ट में, ये सब कैसे खत्म होगा, ये सब इतने कम वक्त में मुझसे नहीं होगा। मेहमानों के आने से पहले ये टेबल कैसे जमेगा। अपनी काम को टालते रहने वाली आदतों से छुटकारा पाने और खुद को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक बेहतरीन किताब है। ये एक स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति काम से बचना चाहता है। ईट दैट फ्रॉग वास्तव में एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें फ्रॉग का इस्तेमाल उस काम के लिए हुआ है जिसे आप कठिन समझते हैं और इस काम को आप हमेशा टालते रहते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कि फ्रॉग यानी कि मेंढक को खाना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ाने का एक तरीका किस काम को पहले करना चाहिए वो सीखोगे। ये बुक समरी उन्हें जरूर सुनना चाहिए, वो व्यक्ति जिसे काम को टालने की आदत हो, वो व्यक्ति जो बहुत सारे काम के बोझ तले दबे हैं और उनसे निजात पाना चाहते हैं, जो अपने सपनों और लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। इस बुक समरी को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल हिंदी बुक वाणी में। चलिए शुरू करते हैं इस बुक समरी को हिंदी बुक वाणी के साथ। पार्ट 1, हर सफल प्रोजेक्ट के पीछे एक बेहतरीन प्लानिंग होती है। मान लीजिए कि आपके ऊपर कामों का पहाड़ है और आप किसी मीटिंग में जाते जाते ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ आप कैसे खत्म करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज है अपने गोल को अपने माइंड में क्लियर करना, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होने का सबसे पहला कदम है। तो इन गोल्स को अपने दिमाग की जगह किसी नोटबुक या कहीं और लिख कर रखना ज्यादा अच्छा है। लेखक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने गोल्स को लिख कर काम करता है वो बाकियों से 5 से 10% ज्यादा जल्दी और प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम खत्म कर लेते हैं। अपने गोल को क्लियर करने के बाद उसे पूरा करने के लिए जो भी काम आपको करने हैं उसे स्टेप बाय स्टेप लिख कर रखें और टाइम के हिसाब से उनकी प्लानिंग भी लिखें। हमेशा इस लिस्ट को चेक करते रहे और जो जो काम आप खत्म करते जाएं उन्हें निशान लगा दे, ताकि जब भी आप उनको देखें तो आप खुद पर गर्व करें और अपनी सफलता से प्रेरित होकर बाकी बचे कामों को और जल्दी से खत्म करें। ऐसा करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अगले कदम के बारे में सोचकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको और अच्छे से अपना काम खत्म करना है तो 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार आप अपने हर काम को 10 छोटे कामों में बांट लें और इन 10 कामों में से 2 ऐसे काम हो जबकि 8 से ज्यादा जरूरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर लोग आसान दिखने वाले कामों को पहले खत्म कर लेते हैं और जो ज्यादा जरूरी और कठिन काम होते हैं उन्हें टालते जाते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस मेथड से आप दोनों तरह के काम निपटा सकते हैं और अपन को काम का स्ट्रेस भी नहीं महसूस होगा। पार्ट 2, अपनी प्रायोरिटीज को चुनें और उन पर फोकस करें। अब जब आपको ये पता चल गया है कि आपको करना क्या है तो अपने हर काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मगर कैसे? अपने कार्यों को अरेंज करते समय हर एक्शन से पहले सोचें इसका क्या नतीजा होगा और इसे करने के बाद आप अपने फाइनल गोल के और कितने करीब पहुंचेंगे। हार्वर्ड स्कूल में हुई एक रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग अपने हर एक्शन का नतीजा पहले से ही सोच के चलते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखते हैं वो अपने हर प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। लेखक ने अपने कामों को ABCD फॉर्मेट में अरेंज करने की सलाह दी है, मतलब जो सबसे जरूरी और प्रायोरिटी वाले काम है उन्हें ए लिस्ट में डालें, जबकि जो कम कोई खास जरूरी नहीं है BC में डालें। आप उन्हें समय की कमी होने पर स्किप कर सकते हैं। ऐसे कामों को लिस्ट ई में डालें। उदाहरण के तौर पर लिस्ट ई में ऐसे काम आएंगे जैसे आपको अपने फेवरेट प्रोग्राम का बिहाइंड द सीन देखना हो, जबकि अ लिस्ट का काम हो सकता है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू कर रहे होंगे तब अ लिस्ट के काम जो कि सबसे कठिन और जरूरी हैं, वो आपके लिए किसी मेंढक के जैसे हैं। तो लेखक कहते हैं इन मेंढकों को पहले खाएं, मतलब इन्हें पहले करें। अपने अ लिस्ट के कामों को पहले करना और तब तक न रुकना जब तक वो पूरे ना हो जाएं। तो इसलिए अपने काम पर तब तक पूरा फोकस रखें जब तक वो खत्म न हो जाए, क्योंकि अगर आपने रिज्यूम लिखने के बीच में फेसबुक चेक कर लिया तो जहां 1 घंटे में काम होना था वहां 2 घंटे लगेंगे और आपको उसे करने में और दिक्कत आएगी।
पार्ट तीन सफलता का रास्ता अपनी अंदर की प्रतिभाओं और संभावनाओं की खोज से होकर निकलता है। प्रोडक्टिव होने का मतलब बस प्लानिंग करना ही नहीं है, बल्कि ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जिसमें आप रोज कुछ नया सीखते हैं और इस बात की खोज करते हैं कि आप अपने कामों को अधिक से अधिक बेहतरी से कैसे कर सकते हैं। कुछ नया सीखने और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आपको वैसा माहौल और एक सेल्फ स्पेस चाहिए जहाँ की आप एकांत में खुद से ही बात कर सकें और अपने अंदर झांक सकें। तो अगली सुबह जब आप अपने ऑफिस डेस्क पर पहुँचें तो सबसे पहले उसे साफ करें, क्योंकि साफ जगह पर काम करने का मजा ही कुछ और है। फिर अगला स्टेप होगा कि आप ये चेक करें कि आपके इस्तेमाल में आने वाली सभी चीजें, इम्पोर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स आपकी डेस्क पर आपकी पहुंच में हो, क्योंकि अगर आपको खाना बनाना है तो पहले सामग्री तो तैयार होनी चाहिए ना। तीसरा जरूरी स्टेप है अपने क्षमता और स्किल्स को पहचानना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग होता है, तो आप अपनी स्किल्स को पहचान कर उसके अनुसार अपने गोल्स और प्रोजेक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेशल स्किल्स ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा होता है, किसी को बहुत सी फॉरेन लैंग्वेज आती है तो किसी को कुछ और। लेखक कहते हैं कि अपनी स्किल्स को पहचानने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछें कि वो कौन सा काम है जो आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और जो कि दूसरों के लिए कठिन होता है, और ऐसी कौन सी स्किल है जिसने आपको अभी तक जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद की है। एक बार आपको इन सवालों के जवाब मिल गए तो आप खुद के पोटेंशियल को और अच्छे से समझ सकते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि आखिरी जरूरी बात ये है कि अपने स्किल्स पर आप हमेशा काम करते रहें और उसे अधिक से अधिक निखारते रहें, ताकि आप उस पे अपनी पकड़ को खोना दें। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने से आप और अधिक प्रोडक्टिव हो जाएंगे। पार्ट चार, सकारात्मक सोच और डिसिप्लिन के साथ आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिना ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के आप जीवन में सफलता जैसी कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। सुनने में ये किसी फिल्म का डायलॉग जरूर लगता है, लेकिन ये जीवन का एक बहुत बड़ा और जरूरी सच है। ये बात कभी न भूलें कि आपका शरीर आपकी सफलता का इंजन है, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जब आप शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ रहेंगे तो आप अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को बिना मतलब न थकाएं, क्योंकि एक इंसान की काम करने की क्षमता 8 घंटे के लगातार काम के बाद अपने आप कम हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई मशीन लगातार काम करने के बाद गर्म हो जाती है। इसलिए जब आपने पर्याप्त आराम लिया होता है तो आपकी कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो 8 घंटे की नींद ले, सेहत से भरा खाना खाएं और स्ट्रेस फ्री रहकर अपने गोल को अचीव करने में जुट जाएं। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा पहलू है क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन को खुद से दूर रखना है, जिसका मतलब है कि जानबूझकर गैर जरूरी कामों को पहले करना। ज्यादातर व्यक्ति ऐसा इसलिए करते क्योंकि कठिन कामों को करने से उन्हें डर लगता है, इसलिए वो गैर जरूरी काम को पहले करके जरूरी को टालते जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति समझदारी से अपना काम करते हैं वो जरूरी काम सबसे पहले करते हैं। पार्ट पांच, जो चीज आपको अपने काम में सफल होने से रोक रही है उससे मुंह मोड़ने की बजाय उसे पहचानें और उसका सामना करें। सफलता की प्लानिंग करना उसे पाने से कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि जब आप सफलता की राह पर निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें तो बहुत सी ऐसी रुकावटें थी जो आपने सोची भी नहीं थी। तो ऐसे में आप इन रुकावटों का सामना कैसे करें? इन बाधाओं से निजात पाने के लिए सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान, रिसोर्सेज की कमी, आपकी खुद के अंदर कोई कमी, और भी बहुत कुछ। पर ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की कमी का सामना न करके बाहरी दुनिया को ही सारी परेशानियों का जिम्मेदार ठहराते हैं। जब भी हम किसी फेलियर का सामना करते हैं तो हम दूसरों को दोष देने का आसान रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए अपने अंदर के लिमिटिंग फैक्टर्स को नजरअंदाज ना करें। हो सकता है कि शुरुआत में आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस की कमी हो, इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हो। तो इस बात को स्वीकार करें। अपने अंदर की कमियों को स्वीकार कर आप उन पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी लिमिटेशन की बजाय हमारे अंदर की लिमिटेशन का हमारी असफलता में ज्यादा हाथ होता है। हो सकता है आपको किसी पॉइंट पर लगे कि आपके अंदर ऐसा बहुत कुछ है जिसे सुधार की जरूरत है, तो एक एक करके उन पर काम करें।
पहले अपनी एक कमी को दूर करें, फिर अगली पर सुधार करना शुरू करें। ठीक वैसे ही जैसे आप फिटनेस ट्रेनिंग में धीरे धीरे करके अपना स्टैमिना बढ़ाते हुए एक्सरसाइज का लेवल भी बढ़ाते जाते हैं, इसी तरह जिंदगी में भी धीरे धीरे अपनी सभी लिमिटेशंस को दूर करते हुए आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लेखक ने अपने हर काम को बेहतर एफिशिएंसी से करने के लिए एक ट्रिक बताई है कि इमेजिन करें कि आपको कल ही एक सरप्राइज वेकेशन पर जाना है, तो आपको अपनी सारी तैयारियां आज और अभी ही करनी होगी। वैसे ही आप अपने हर अर्जेंट काम को उसी सरप्राइज वेकेशन की तरह देखें और उसे बिना टाले आज और अभी खत्म करें। अगर आप इस आदत को अपनी जिंदगी में शुमार कर लेते हैं तो आप उन 2% लोगों में आ जाएंगे जिन्हें काम करने के लिए किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। पार्ट 6, अपने समय पर खुद ही कंट्रोल करना सीखें। सफलता पाने के लिए आखिरी सबसे जरूरी बात है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हो तो टाइम मैनेजमेंट की कला ही आपको इन्हें समय पर पूरा करने में सफलता दिला सकती है। आप हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। कई बार ऐसे जरूरी काम भी होते हैं जिन्हें आपको एक ही बार में पूरे ध्यान से खत्म करना पड़ता है। जैसे कि एक सेल्समैन को ही लें कि उसे ऑफिस के काम के साथ साथ क्लाइंट्स को कॉल करके उनका फीडबैक लेना और नए ऑर्डर्स की लिस्ट बनाना, ये सब एक साथ करना पड़ता है और सारे काम उसके लिए एक जैसा महत्व रखते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं, अपने सारे जरूरी अपॉइंटमेंट्स और कामों का समय आप खुद तय करें, ताकि आपके पूरे दिन का मैप आपके आंखों के सामने तैयार हो। अपने पूरे दिन को स्लॉट्स में बांट ले, जैसे कि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, और सुबह का टाइम उन कामों के लिए रखें जो आप खुद कर सकते हैं, जैसे अपने ईमेल्स पढ़ना, अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना, और जिन कामों में आपको अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प चाहिए उसे ऑफिस के लिए छोड़ दें। प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना आधा दिन बस प्लानिंग में ही बर्बाद कर दें। मोटे मोटे तौर पर चीजें प्लान करें और फिर खुद को काम के फ्लो के साथ चलने दें। जब भी आप एक फ्लो के साथ काम करते हैं, आपका दिमाग खुद ब खुद ही आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आइडियाज और मोटिवेशन के लिए आइडियाज और मोटिवेशन देता रहता है। इसलिए फ्लो में काम करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए फ्लो में रहकर काम करें और हर जरूरी काम को पहले खत्म करें। जब आप पूरे डेडिकेशन से सही रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे तो खुद ही आप अपनी लिमिट्स और सभी बाधाओं को पार कर अपने गोल को अचीव कर लेंगे। पार्ट 7, हम इस बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। अपने अंदर के प्रोक्रास्टिनेशन मतलब हर काम को टालने की आदत को हराने के लिए सबसे पहले आप ये पहचाने कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या हैं। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने हर जरूरी काम को सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि एक बार आपने इन्हें पूरा कर लिया तो आगे का रास्ता खुद ही आसान हो जाएगा। हमेशा अपने कामों को टू डू लिस्ट में अरेंज करके रखें, क्योंकि जो लोग लिस्ट के अनुसार काम करते हैं वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये लिस्ट न सिर्फ आपको सही ट्रैक पर रखती है, बल्कि जब आप दिन के अंत में इसकी ओर देखते हैं तो आपको संतुष्टि भी महसूस होती है। हमारा वीडियो लंबा हो सकता है, पर हम अपने बुक समरी की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। धन्यवाद दोस्तों।